subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मैं सिर्फ ये सोचकर तुमसे मिलने आ गया हूं कि क्या मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता पक्की है। मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नश्तर चुभ रहे हो, और तुम्हें उन नासूरों का एहसास है जो तुम मुझे आज तक मेरी गुर्बत का एहसास दिलाने के लिए तानों की शक्ल में देती रही। मैंने कब तुम्हें गुर्बत का एहसास दिलाया? मैंने कब तुम्हें ताने दिए? कब नहीं दिए तुमने मुझे ताने? ये आज उसी हिर्स का नतीजा निकला। लंबी सी एक गाड़ी, कलाई भर भर की सोने की चूड़ियां, कालीन पर्दे साजो सामान, यही ख्वाब थे ना तुम्हारे? इन्हीं ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए तुम अपनी मासूम बच्चियों को भी घर से छोड़कर निकले। बस करो असद, बस करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक तड़पती हुई बीवी और एक माँ को ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। तड़पती हुई बीवी और तड़पती हुई माँ। मेरी बच्चियां कैसी हैं? सालिम आए थे तो रहम खा के मेरी बच्चियों को भी ले आते। भूल जाओ उन बच्चियों को, इतनी रुस्वा हो गई हो कि मैं अब तुम्हारा साया भी उन बच्चियों पर नहीं पड़ने दूंगा। सब खुदा के लिए इतने सफाक मत बनो, मुझे गरीब से मेरा हाल तो पूछो। ये तो पूछो कि मैं यहां तक कैसे पहुंची। ये दिखाना चाहती हो मुझे कि तुम बदनामी का तौक हो, मेरी गैरत के मुंह पर एक तमाचा हो। फातिमा, मैं ये बदनामी का तौक अब कभी नहीं पहनूंगा। असद, असद, असद। शरीफ लोगों के घरों को जहन्नम बनाने वालों, गैरतमंदों, कहो तुम सब, आओ और देखो मैं लुटपुट कर तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाने आया हूं। आ देखो नहीं। असद बेटा, खुदा के लिए बेटा खामोश रहो। मेरी इज्जत का जनाजा तो पहले ही बहुत उठ चुका। अगर इज्जत का इतना ही ख्याल था तो क्यों दी बेटियों को ऐसी तबीयत? क्यों सिखाया उसे सब कुछ? असद, नहीं बेटा, नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी बहुत पाक दामन है, ये मुझे यकीन है। नहीं, बेजा यकीन ही ने मेरे भरोसे, मेरी गैरत और तुम सबके एतमाद का खून कर गई वो। लेकिन नहीं, सब कुछ समझ गया मैं, खून इसी घर का गंदा सही, मगर मेरा नहीं। असद, कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसे तलाक दूंगा। Thank you.
subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos.